सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रासमन फोटोग्राफी। सो गाइज, आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का डुअल फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग से लग रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आप भी कुछ इस तरह का एडिटिंग करना सीख जाओगे। बस आप लोग इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए, और आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। चलिए गाइज, मैं देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग इस वाले वॉल बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा, और यहां से टूल्स आइकॉन पर क्लिक करके यहां से रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको मैक्सिमम साइज में रिसाइज कर लीजिएगा और यहां से इसको डन कर दीजिएगा। अब हम ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इस वाले हार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको हम फिल कर देंगे और यहाँ से इसको डन कर देंगे, और कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम कोई भी एक कलर को ऐड कर लेंगे और यहाँ से इसको डन करके कुछ इस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। अब हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक टेप की पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले टेप पीएनजी को हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ की साइड एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और दूसरे एंड तीसरे पीएनजी को भी कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक शैडो की पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले शैडो पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको भी 3 भाग में डुप्लीकेट कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम यहां की साइड कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम सिंपली यहां से इसको डन कर देंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से अपने फोटो एक कटआउट को हम लोग ऐड करेंगे। अगर आप लोग को अपने फोटो का कटआउट नहीं बनाने आता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब हम कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा कम करके कुछ इस तरह से इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसके हार्डनेस को हम फुल इंक्रीज कर देंगे और साइज को कुछ इतना रख के कुछ इस तरह से इसको हम इरेज कर लेंगे। यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। अब हम फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से अपने फोटो को हम ऐड करेंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार से थोड़ा जूम करके राइट साइड में हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और अगेन हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक शैडो की पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले शैडो पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से जूम आउट करके अपने मॉडल के शूज पर हम कुछ इस तरह से इसको रख के यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देंगे और डुप्लीकेट करके दूसरे स्विच पर भी एडजस्ट कर लेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। फिर से हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम अपने इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट को ऐड करेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम क्रॉप कर लेंगे और यहाँ से इसको डन करके कुछ इस तरह से इसको हम जूम करके लेफ्ट साइड के कॉर्नर में कुछ इस तरह से इसको रख के यहाँ से ब्लेंड मोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको स्क्रीन पे करके सॉरी मल्टीपल पर करके कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। अगेन हम ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इंस्टाग्राम हार्ट पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले हम हार्ट पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से थोड़ा जूम आउट करके
कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ की साइड रखेंगे और शैडो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा शैडो दे देंगे और यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम थोड़ा जूम आउट करके कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे और सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सेव कर लेंगे और इस वाले फोटो को हम स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। स्नैपसीड एप्लीकेशन में फोटो ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम पैन आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से हम ट्विन इमेज पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से इसके ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे और इसके सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेंगे और इसके एम्बियंस को भी इंक्रीज कर लेंगे और इसके वार्म को हम थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देंगे और फिर से हम पेन आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से अपने फेस पर हम इस वाले सर्कल को ड्रॉ करेंगे और इसके ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से उसको डन कर देंगे और फिर से हम पेन आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से हम व्हाइट बैलेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके टेम्परेचर को थोड़ा हम डिक्रीज कर देंगे और इसके टिंट को थोड़ा हम प्लस की साइड रखेंगे और सिंपली हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को हम सेव कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा।